नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां मलिक मोहम्मद भारती इंटर कॉलेज जायस में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में आए 6 लोगों का हाल जानने डीएम अमेठी अरुण कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे। अपने साथ लाए हुए भोजन के पैकेट को सभी में वितरित किया। भोजन का पैकेट देने से पहले सभी का हाथ धुलवाकर उन्हें सैनिटाइज किया गया। फिर सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला अपनाकर उन्हें पैकेट का वितरण किया गया। किसी को भी सेंटर छोड़कर न जाने के कहा गया। इस दौरान डीएम ने बताया कि इस जिले में 250 आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सभी का परीक्षण कर रही है। अभी कुछ ही देर में यहाँ भी टीम पहुंचकर इनका परीक्षण करेगी। फिलहाल बाहर से आए हुए सभी लोगों को 14 दिन के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। आप देख रहे हैं अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कैंप में जो है कल रात से 9 बजे से लोग आए हुए हैं। अभी तक इनका कोई जांच नहीं हुई। भोजन तो ये सर आप लेके आए हैं, और इससे पहले प्रदीप सिंगल भी आए थे। जितने भी लोग बाहर से आए हैं तत्काल उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है, और जनपद में 250 से अधिक ऐसे सेंटर है जहाँ पर उनको रखा गया है, और लगातार बढ़ती की जा रही है, और चिकित्सकों की टीम भी लगातार भेजी जा रही है वहाँ पर। अभी 6 लोग यहाँ पे आए हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक है, और अभी तत्काल यहाँ पे टीम भी यहाँ पे पहुँचाई है, जाँच करेगी। भोजन की व्यवस्था भी आपको जितनी कर दी गई है, इसी प्रकार से जनपद में जितने भी सेंटर है उन सभी के जो लोग उनकी जो सुविधाएँ हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है। ठीक सर, लेकिन स्वास्थ्य टीम आने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी का 15 घंटे भरे होने के बाद भी इनका इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों में बहुत अधिक संख्या में लोग आए हैं, क्योंकि थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जितने भी लोग आए सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है, और प्रधानों से भी समझ में लगातार जानकारी मांगी जा रही है कि ऐसे कितने लोग आए हैं, उनकी क्या अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।